Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is nucleic acid. In a previous lecture, we discussed about nucleic acid introduction and its discovery. In which we, introductory lecture, we define DNA is itself a polymer which are made up of monomers, and these monomers are known as nucleotides, which join up and form a complex structure known as polymers. DNA major function includes its whole genetic information and also involved in other variety of functions. If you recall from a previous introductory lecture, nucleic acid are molecules that store information for cellular growth and reproduction. It's mean ki ek cell ke andar ek life ke related jitni bhi uski activities ho rahi hoti hain रिप्रोडक्शन के रिलेटेड या उसकी सेल की इट सेल्फ जो ग्रोथ होती है उन तमाम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. जनरली हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स इसके जो मोनोमर्स हैं उसके बेसिस के ऊपर न्यूक्लिक एसिड को आगे दो कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है, डीएनए एंड आरएनए. अब इसके अंदर देखिएगा कि जो डी है वो इंडिकेट करता है हमें डीऑक्सीराइबोस, जबकि आर जो है हमें इंडिकेट करता है आरएनए के अंदर राइबोस शुगर, कि इन दोनों के अंदर जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है. डीएनए के अंदर कार्बन नंबर टू के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बोथ साइड्स पे उस चैन के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जबकि जो राइबोस शुगर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर मेजरली पेंटोज शुगर इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. दीज आर पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से हमने कहा था कि इट सेल्फ जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व हैं. न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स, लॉन्ग थ्रेड लाइक पॉलीमर्स मेड अप ऑफ लीनियर अरे ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ऑल न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन थ्री कंपोनेंट्स. वंस अगेन जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए हैं वो थ्री इसके जो कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर देखिएगा कि जिनको प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स लेबल किया गया है वो इसके अंदर ऑर्गेनिक बेसिस हैं, जबकि इनके अंदर पेंटोज शुगर इन्वॉल्व होगा और साथ उसके फास्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होगा. अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए के हवाले से अगर हम इन दो के अंदर मेजर एक डिफरेंस देखें, इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं. जैसे हम ये कहते हैं कि जो डीएनए होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जबकि आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है. फिर जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो आरएनए होता है उसके अंदर हंड्रेड्स टू अप टू थाउजेंड्स न्यूक्लियोटाइड एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन उसके साथ इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है कि राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड हैव अ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जो राइबोस शुगर होगा उसके अंदर कार्बन नंबर टू के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जबकि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हैव टू हाइड्रोजन, टू मीन के कार्बन नंबर टू के ऊपर जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसके बोथ साइड्स के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. और ये याद रखिएगा कि जब भी हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे जैसे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, तो ऑक्सीजन से जो राइट साइड पे कार्बन होगा हमेशा उसको हम कंसीडर करते हैं, लेबल करते हैं कार्बन नंबर वन, और उससे हम नेक्स्ट ऑन उनकी नंबरिंग फॉलो करते हैं. ये प्रीवियस आपको एक्टिविटी के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि बेसिस आर क्लासीफाइड एज पायरीमिडीन्स आर प्यूरीन्स, और प्यूरीन्स के अंदर हमने ये कहा था कि डबल रिंग बेसिस इन्वॉल्व हैं, जबकि पायरीमिडीन के अंदर सिंगल रिंग बेसिस इन्वॉल्व हैं. और मेजर इनको यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर दे रहा होता है इन ऑर्गेनिक बेसिस को, वो नाइट्रोजन इनको रिंग स्ट्रक्चर दे रहा होता है. और यहाँ पे हमने इस हवाले से भी कंसल्ट किया था कि जो डीएनए और आरएनए के हवाले से डिफरेंस है उसके अंदर बेसिस इनके अंदर जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगी वो एडिनिन और थायमिन होगी और साइटोसिन और गवानिन होंगी, जबकि जो आरएनए है उसके अंदर थायमिन को यूरासिल रिप्लेस करेगा, मीन कि यूरासिल वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यूरासिल एडिनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा. अब ये इस पिक्चर के अंदर ओवरव्यू है. द न्यूक्लियस कंटेन द सेल्स डीएनए जीनोम, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. मीन सिंपल इसके अंदर आपको जो चीज़ डिलीवर की गई है कि जो न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर उसकी जो पोजीशन होगी वो सेंट्रलाइज पोजीशन होगी, जो जीनोम होगा जीनोमिक इंफॉर्मेशन वो रिजाइड करेगी इनसाइड द न्यूक्लाई, जबकि जो प्रोटीन आरएनए है वो सिंथेसाइज किया जाएगा, वो सिंथेसाइज करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जाके परफॉर्म करेगा.
अब जो डीएनए की जो कॉपी होती है, इस प्रोसेस को हम होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, कि जिसके अंदर टू रेप्लिका प्रोड्यूस की जाती हैं ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से। लेकिन एक ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ये रेप्लिकेशन हो रही होती है। लेकिन डीएनए से जो आरएनए का जो बनने का प्रोसेस होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, जबकि जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही वो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये जीनोम है जो वेरी करेगा इंडिविजुअल्स के मेकअप को, और इसकी बेसिस पे इंडिविजुअल्स के एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंसेस होती हैं उनके अंदर डिफरेंसेस डिवेलप होते हैं। जैसे देखिएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। ये बेसिक वो चीज़ है कि जो वेरिएबल हो रही होती हैं तो इंडिविजुअल्स क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स हैज 64 क्रोमोसोम्स 32 पेयर्स, अ कैट हैज 38 क्रोमोसोम्स एंड 19 पेयर्स, अ मॉस्किटो हैज 6 क्रोमोसोम्स 3 पेयर्स, एंड अ ह्यूमन बींग हैज 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। जैसे ह्यूमन बींग को मेजरली हम कंसल्टिंग हमारा, तो हम इसके अंदर अगर कंसल्ट करें तो 46 क्रोमोसोम्स, या हम इनको कहते हैं कि इनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए इज रेप्लीकेटेड सो दैट ईच न्यू सेल रिसीव अ कंप्लीट कॉपी। कि डीएनए के अंदर जब ये रेप्लीकेशन इसकी हो रही होती है तो ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और इसके अंदर जो डीएनए अपनी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इस फॉर्म में डुप्लीकेट कर रहा होता है कि जो सेम इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स के अंदर रेप्लिकेट हो रही होती हैं। अब इट सेल्फ क्रोमोसोम्स हैं क्या, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? आप प्रीवियसली भी इस चीज़ को जानते होंगे कि क्रोमोसोम्स मेचरली ये न्यूक्लियस के इनसाइड पर प्रेजेंस होते हैं, और ये विजिबल हमें उस वक्त ही होते हैं कि जब सेल डिवाइडिंग फेज के अंदर होता है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो क्रोमोसोम हमें विजिबल नहीं होते हैं, और इसको स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू स्टेज के ऊपर विजुलाइज भी किया जाता है डिफरेंट स्टेंस के कलर्स के थ्रू। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा था तो क्रोमोसोम्स उस स्टेज डिवीजन स्टेज के ऊपर क्या होते हैं, विजिबल्स होते हैं। क्रोमोसोम्स अ कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इट सेल्फ इन टू क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन मेटीरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, उसको आप क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन मेटीरियल जब सेल डिवाइडिंग फेज की तरफ मूव करता है तो यही क्रोमेटिन मेटीरियल कंडेंस होता है, मीन के जो क्रोमोसोम्स की लेंथ है वो डिक्रीज करती है और उसका डाया इंक्रीज करता है, और वो क्रोमोसोम्स को एक स्पेसिफाई स्ट्रक्चर देते हैं। वंस अगेन इसका ओवरव्यू जो पूरा स्केच का, कि डी इट सेल्फ जो डीएनए की जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है उसको आप रेप्लीकेशन कहते हैं, जबकि जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर कॉपी हो रही होती है इसको ट्रांसक्रिप्शन, और वो जो आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कॉपी की गई है आगे उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, वो प्रोटीन्स की सूरत में वो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, और इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसी के साथ राइट साइड पे ये मेंशन किया गया है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा जिससे इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट होगी, जो इन्वॉल्व होगा, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए की फॉर्म में कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रिपेयर की जाएगी। अब ये डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि उससे कौन सी प्रोटीन्स सिंथिसाइज होगी। इसके अंदर बेसिक ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो मेजरली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, मीन के जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है जो उसको एक स्पेसिफाई स्ट्रक्चर दे रही होती है। अब इसके अंदर देखिएगा कि मेंशन किया गया है, जैसे ये थाइमिन जिसको लेबल किया गया है, एडिनिन है, ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस या ऑर्गेनिक बेसिस हैं। अब हमने ये कहा था कि जो एडिनिन और थाइमिन डीएनए के केस के अंदर होगा, इनके अंदर जो बेस पेयरिंग जो पैटर्न होगा वो डबल बॉन्ड पेयर्स होंगे, जबकि जो साइटोसिन और गवानिन होंगे उनके दरमियान ट्रिपल पेयरिंग्स इन्वॉल्व होंगी, जबकि जो फास्फेट ग्रुप है वो 3-5 लिंकेज के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। 3 और 5 लिंकेज के अंदर जैसे देखिएगा कि 3 हाइड्रोक्सल एंड आपको लास्ट जिस साइड पे गवानिन है बॉटम साइड के ऊपर मेंशन किया गया है, इस साइड पे अब देखें अगर तो यहाँ पे आके अगर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहा है तो वो 3 हाइड्रोक्सल जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होगा स्ट्रैंड के अंदर, जो स्ट्रक्चर जो पेंटोज शुगर है उसके 3 हाइड्रोक्सल के ऊपर नेक्स्ट कमिंग जो 5 कार्बन का जो सीक्वेंस होगा वहां पे आके अटैचमेंट बनाएगा इस तरीके से। लेकिन मेजरली इसके अंदर जो बैकबोन होती है वो आपके पास वो फास्फेट ग्रुप इसकी बैकबोन बना रहे होते हैं, और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, और पेंटोज शुगर के साथ ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं जो इसको एक स्पेसिफाई स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रक्चर दे रही होती हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर सम टाइम ये होता है कि जो डीएनए से आरएनए बन रहा था और आरएनए से वंस अगेन डीएनए की स्ट्रैंड्स डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन मेजरली हमारा यहाँ पे जो कंसर्निंग है कि आरएनए की फर्दर मोर
थ्री टाइप्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, वो हमने सेपरेट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके साथ हम इसको कंसल्ट भी करेंगे डिटेल्स के साथ। जैसे आरएनए की फर्दर थ्री मोर टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए है जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में स्मॉल लेटर एम और आरएनए भी लिखते हैं, ट्रांसफर आरएनए वंस अगेन उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में स्मॉल लेटर टी और आरएनए से मेंशन करते हैं, राइबोसोमल आरएनए को हम इसको फर्दर मोर आरएनए की फर्दर थ्री टाइप्स हैं। मैसेंजर आरएनए जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से होगी या कैरी करेगा, जबकि ट्रांसफर आरएनए उसको आगे स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, उनको ट्रांसफर करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कैरी करेगा, जबकि जो राइबोसोमल आरएनए वो प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होगा कि जो मैसेज इसने कैरी किया उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सिंथिसाइज की जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के वाले से वंस अगेन अगर हम उस तरफ मूव करते हैं तो देख लेते हैं, टू पास द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए टू अ न्यू जनरेशन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट टेक प्लेस, दिस इन्फॉर्मेशन इज कैरीड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए इज ऑफन कॉल्ड द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ बिकॉज इट कंटेन ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वंस अगेन क्योंकि हम इसको जीनोमिक मेकअप कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी लाइफ के अंदर से कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं एक सेल ने, और वो तमाम की तमाम रिजाइड्स करती हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये इसके अंदर मेंशन किया गया है कि जब न्यू सेल्स बनेंगे तो सबसे पहले जो उसके अंदर इवेंट इन्वॉल्व होगा वो सेल के अंदर प्रेजेंट जो होगा पेरेंटल सेल्स के अंदर जो जीनोमिक इन्फॉर्मेशन होगी वो डुप्लीकेट होगी। अब नेक्स्ट हम कंसर्न करते हैं कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो है क्या है, इस प्रोसेस को आप क्या डिफाइन करेंगे। सो व्हेन डीएनए इज रेप्लिकेटेड ईच स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कि जब अब हमने प्रीवियस ये जो पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया कि जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अब उसके अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो जो बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट के तौर पे और उससे फर्दर कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज किया जाएगा। इन ईच ऑफ द डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स वन स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट डीएनए इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के हवाले से डिफरेंट मॉडल्स हैं जिससे मेजरली जिसको एक्सेप्टेबल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, इसके अलावा डिस्ट्रप्टिव मॉडल भी है और मेजरली जो एक्सेप्टेबल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जिसको हम कंसल्ट करेंगे। DNA replication, the production of new DNA is carried out by enzyme called DNA polymerase. DNA polymerase catalyzes the addition of deoxyribonucleotides residues to growing DNA strands. अब majorly जो DNA की जो synthesis हो रही होती है इसके अंदर role of different enzymes involved होते हैं, लेकिन majorly इसके अंदर जो polymerases involved होते हैं वो polymerase 1, 2 और 3 इसके अंदर majorly involved होते हैं, इनका major role होता है। जो polymerase 3 होता है DNA के अंदर जो enzyme होता है इसका जो प्रोसेस का एक जो रोल होता है वो कॉम्प्लेक्स रोल होता है इसके अंदर। जो पॉलीमरेज 3 है बेसिक इसका जो रोल इसके अंदर जो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो सिंथेसिस हो रही थी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, बेसिक कैटलाइज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू ग्रोइंग कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कि मेजरली जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंथिसाइज हो रहा होता है उसकी ग्रोइंग चेन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स को कैटलाइज कर रहे होते हैं उसके अंदर पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व होता है, जबकि जो इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इन्वॉल्व होता है रिलेटिवली स्मॉल साइज होता है, ये मेजरली प्रूफ रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, प्रूफ रीडिंग के साथ साथ इसका कुछ सपोर्टिंग रोल भी इसका इन्वॉल्व होता है। जबकि जो पॉलीमरेज 2 एंजाइम है इसका जो म्यूटेशन अगर कहीं हो रही है लाइफ के अंदर लिविंग सेल्स के अंदर तो उसकी रिपेयरिंग के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। ये इकोलाई के हवाले से जनरली इसके अलावा पॉलीमरेज के डिफरेंट नंबर्स हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर इनको डिफरेंट वेज से एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर इसका अब अगर मॉडल देखें जो इसकी अगर जो आप इस वक्त जो स्लाइड पे शेयर आपके सामने पिक्चर है तो डीएनए की हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर क्या डबल श्रेणी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखिएगा कि लेटर लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर डेवलप हो रही हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे देखिएगा जिसको ए साइट लेबल किया गया है, इसके अंदर दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो प्रेजेंस हैं जिनको नाइट्रोजनस बेसिस से लेबल किया गया है। अब इससे नेक्स्ट वन जो बी स्टेजेस पर देखिएगा कि ये एंजाइम अनवाइंडिंग होने की वजह से डीएनए के जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स थी वो लेटर्स आपस में क्या हुए हैं अनवाइंड हुए हैं, तो दोनों ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक्ट करेंगे पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर, जबकि जो सी डायग्राम इसके अंदर अगर देखेंगे तो जो नाइट्रोजनस बेसिस इसके अंदर फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आके अटैच हो रही हैं ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं जो आके अपने आपको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इससे नेक्स्ट वन डी डायग्राम के अंदर देखिएगा कि इस तरीके से जो पेरेंटल स्ट्रैंड था एज इट इज इसकी डुप्लीकेट 2 कॉपीज प्रोड्यूस हो गई हैं, मीन के इन दोनों स्ट्रैंड्स जो इस स्टेज के ऊपर देख रहे हैं दोनों के अंदर एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है जबकि दूसरा कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और इस तरीके से एक जो पेरेंटल डीएनए था उससे उसकी रेप्लीकेट होकर 2 कॉपीज प्रोड्यूस हो गई।
अभी स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा कि मेजरली जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेलिकल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं। अब ये देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसकी जो डायरेक्शन मेंशन की गई है कि एक तो इस चीज़ को समझिएगा कि जो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्ट्रैंड होगा एक पेरेंटल स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करेगा और दूसरा उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रिपेयर हो रहा होगा उसको हम डुप्लीकेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब इसके अंदर 5 to 3 डायरेक्शंस के अंदर एक चैन मौजूद होगा, जबकि जो दूसरा चैन होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो 3 to 5 डायरेक्शन होगा। अब इसके अंदर दो तरह के मेजरली स्टैंड इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है लीडिंग स्टैंड इन्वॉल्व होता है जबकि दूसरा लीडिंग लैगिंग स्टैंड इन्वॉल्व होता है। जो लीडिंग स्टैंड होता है उसको हम कंटिन्यू स्टैंड भी कहते हैं, जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, सिंथिसाइज कर रहा होता है पेरेंटल स्टैंड के कम्प्लीमेंट में। जबकि जो लैगिंग स्टैंड होता है इसके अंदर जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स हैं बेस हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, बल्कि डिसकंटिन्यूस बेसिस फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में वो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। वो आपस में पहले ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म में कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स डिवेल्प होंगे, देन वो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड आपस में डिवेल्प होकर एक स्ट्रक्चर्स डिवेल्प करेंगे कंप्लीट। अब इसकी अनवाइंडिंग के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनका रोल होगा, जैसे जो टोपो आइसोमरेज इंजाइम है इसको गायरेज इंजाइम भी कहते हैं। तो अनवाइंडिंग के दौरान जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि अनजिपिंग हो रही है तो जिस साइड से डीएनए अनजिप होगा उस साइड से नेक्स्ट वन जो प्रेशर डिवेल्प होगा उसको ये रिड्यूस करेगा। हेलिकेज इंजाइम मेजरली इन्वॉल्व होगा अनवाइंडिंग या अनजिपिंग ऑफ डीएनए के लिए, जबकि जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जिनको एसएसबीपी भी मेंशन किया जाता है, मेजरली जो इनके जो अनवाइंडिंग स्ट्रक्चर होती है उसको ये मेंटेन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। जो डबल उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है अनकॉइल्ड उसको मेंटेन करते हैं। और फिर उसके साथ देखिएगा प्राइमेसिस इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो इनिशिएट करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेसेस को, डिफरेंट प्राइमर्स को इसके अंदर अरेंज कर रहे होते हैं।